नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित गुप्ता है एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एट JR कंप्लायंस। आज के वीडियो में हम WPC ETA अप्रूवल के बारे में बात करेंगे। वी ऑल नो दैट टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो आज के दिन अगर हम अपने घर में, चाहे अपने ऑफिस में हैं, चाहे हम कहीं अपने कार से कहीं पिकनिक के लिए जा रहे हैं, we all are surrounded every time through wireless devices such as Bluetooth earphones, wireless routers, wireless chargers. So aaj ke din humko har cheez dosto kaisi chahiye ke wireless, jisme koi wires na ho, koi restrictions na ho, wo easy ho, right? But at the same time we have to understand ke wireless jo cheeze hoti hain unme wo ek certain frequency pe kaam karte hain aur वो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट दे आर वेरी डेंजरस और दे आर वेरी हार्मफुल, बट यस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज पर द रेडियो एमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकती है। सो कीपिंग इन द व्यू द सेम थिंग, द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड एन अथॉरिटी दैट इज नोन एज WPC, Wireless Planning and Coordination Wing, that works directly under Department of Telecommunication. So, अब समझते हैं कि WPC करता क्या है। WPC का मेन काम है कि इंडिया के रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइसेंस स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करना। वो बेसिकली इसके लिए सारी गाइडलाइंस बनाते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि वो गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो किया जाए। बट आज के वीडियो में हमारा मेन फोकस है ETA, दैट इज इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके का वायरलेस डिवाइस हो उसको अप्रूवल चाहिए होता है। सो WPC इश्यूज टू टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, वन इज द लाइसेंस्ड बैंड एंड अदर वन इज द डी लाइसेंस बैंड। सो अंडर द लाइसेंस्ड बैंड्स जो लाइसेंस उसमें आते हैं वो है मरीन टाइम लाइसेंस, एरोनॉटिकल लाइसेंस, डीलर पोजेशन लाइसेंस, नॉन डीलर पोजेशन लाइसेंस, डेमोन्स्ट्रेशन लाइसेंस एंड एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस। डी लाइसेंस बैंड में जो लाइसेंस आते हैं दैट इज नोन एज ETA, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल। इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल मेनली 2.4 GHz एंड 5.0 GHz के लिए यूज होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी प्रोडक्ट के ब्लूटूथ और वाईफाई की। All these frequency ranges are notified under the GSR by the department, which can be referred online or you can contact us and definitely we can help you with finding that whether your product falls under the licensed band or a de-licensed band. Even if you need to get the frequency, radio frequency test report done, we can get it done for you for sure. आते हैं दोस्तों equipment type approval पे। So कोई भी product का manufacturer है या इंपोर्टर है उसको WPC ETA लाइसेंस लेना होता है। ETA लाइसेंस का प्रोसेस काफ़ी सरल है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो हमें उसमें एक आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का डॉक्यूमेंट चाहिए, एक सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए और एक मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट रिपोर्ट। सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट से आप ETA आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ETA की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट ले लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको उस सेम प्रोडक्ट के सेम मॉडल नंबर के लिए उसे दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। बट दोस्तों, बी माइंडफुल दैट ETA इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडल, मीनिंग इफ यू हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड there are 10 models of that particular product, so each and every model has to obtain a separate ETA license. So aapne samjha ki ETA kyon zaruri hai aur ise kitna aasani se liya ja sakta hai. Make sure ki aap koi bhi import ya manufacture kar rahe hain usse pehle aap ETA ke liye apply kare and obtain kare, so that you don't get stuck in customs or there is no problem with your business. Thank you. JR Company.